कोरल आइसलैंड का ट्रिप हो गया ख़त्म। तो ये ब्रिज है सामने पटाया का, आप वो देख सकते हो सिग्नेचर बोले या फिर उसका बैनर। पटाया सिटी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इट्स गुड इनफ फॉर 60 बात, काफ़ी है वन वे थर्टी तो अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 आवर्स का टाइम देते हैं, पर आप ऐसा करो कि उसको 1 आवर्स का मतलब ये चले जाएंगे 1 आवर्स बाद आपको छोड़ के वहाँ पे कोरल आइसलैंड, पर आप अगली वाली में पकड़ लेना, हर एक घंटे में आती है। जैसे सपोज़ 2:30 बजे आपको छोड़ा उसने तो 3:30 बजे वो चले जाएगी, फिर अगली वाली 4:30 बजे आएगी, फिर वो 5:30 बजे जाएगी। तो आप ऐसा करके 5:30 बजे वाली में जा सकते हैं अगर आप कोरल आइसलैंड आने के लिए इच्छुक हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था, आना है आपको यहाँ पे, अगर पता है आओ तो प्लीज़ आना है यहाँ पे, अच्छा है, पैसा वसूल है। बाकी वहाँ पे भी बीचेस हैं, वहाँ के बीचेस का पानी काफ़ी अच्छा है और जो पटाया का है वो उतना साफ़ नहीं है, ऐसे समझो जैसे गोवा में बागा बीच, कंडोलियम बीच, वहाँ का पानी एकदम साफ़ है। और साउथ गोवा में जाओगे मीरामार बीच, वहाँ का पानी काला है, गंदा है, पर यहाँ काला नहीं है पर साल्टी और थोड़ा रेतीला है, उतना क्लियर जितना कोरल आइसलैंड में जहाँ से मैं भी आया हूँ। अब मैं कैमरे की स्क्रीन फ्लिप करता हूँ, आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ओके, कल मुझे वापस जाना है बैंकॉक पटाया से, तो नहीं पता चल रहा है कराबी के लिए, कह रहे हैं कि बैंकॉक ही जाना पड़ेगा, देन उसके बाद कराबी या पुकेत के लिए जाना होगा, पर इतना टाइम मेरे पे अब बचा नहीं है। कल मुझे डायरेक्ट अब स्किप करना पड़ेगा पुकेत और कराबी, क्योंकि मुझे मलेशिया जाना है, तो इतना टाइम मेरे पे बचा नहीं है। अब कल सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करूँगा टाइम से पहले, 7 बजे ही गायब हॉस्टल से, चेकआउट टाइम है 11, तो चेकआउट 11 बजे होगा, पर मैं 7 बजे निकल के 11 बजे तक बैंकॉक, और बैंकॉक से जो भी फैसिलिटी बस या फिर ट्रेन, ट्रेन का तो फ्रीक्वेंटली नहीं है इतना, बस की फ्रीक्वेंसी हर 1 आवर्स में है, तो मैं बस पकड़ के निकलूँगा। एक दिन 17 आवर्स लग जाएगा मुझे बस में, मोर देन 17 आवर टू रीच मलेशिया। कोलमपुर सिटी है जो, वहीं मैंने स्टे करना है, तो यही रहेगा। लाइव मुझे शायद कैंसिल करना पड़े, टाइम नहीं अब इतनी जल्दी, 10 दिन में 3 कंट्री विज़िट करना काफ़ी मुश्किल है, वो बाय लैंड, एयर वे से मेरा है नहीं अभी, तो ठीक है मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। Huh?
अब मैं पटाया व्यू पॉइंट में जा रहा हूँ। यहाँ से जस्ट 400 मीटर है, 400 कदम दूर। मज़ा आया है यार बहुत, मतलब देख के अलग ही लेवल। अच्छा आइसलैंड है। और ये क्लॉक टावर है, मैं आपको क्लॉक टावर दिखा देता हूँ। This one is a clock tower of Pattaya Beach. ये Pattaya Beach का clock tower है। मैं आपको पटाया व्यू पॉइंट में जाके ही कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं वहाँ की वीडियो अलग बनाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा यहाँ से जाने में वहाँ पे। सो आई विल कनेक्ट आफ्टर 5 या 10 मिनट। मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा पटाया व्यू पॉइंट के लिए। तब तक के लिए बाय।